दोनों की एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़िए, डिविजनल की एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़िए, कहां पे लिखी है, पेज नंबर 121। इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ सेपरेट यूनिट्स और डिविजन। Each unit has a divisional manager responsible for the performance and who has authority over the unit. सभी को वो क्या करता है, control करता है। लेकिन ये भी definition नहीं है। Definition पहले paragraph में देखो। Many large organizations with diversified activities have recognized themselves away from simpler and functional. मतलब वो functional को use नहीं करती और वो functional को छोड़ के division की तरफ जाती हैं। फिर भी definition नहीं है। Definition कहाँ पे है? कहां पे लिखा? हाँ, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, सो दैट आई विल सेंड यू एग्जैक्ट डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन है ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज फंक्शंस एज सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट अ फंक्शनल। ये भी डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन होनी चाहिए इट इज डिफाइंड एज वेयर द ग्रुपिंग। ओके, दे रखी है, कहां पे दे रखी है? पेज 123। कंपैरिजन में डेफिनेशन कहाँ? डेफिनेशन तो कोई भी नहीं है। पहली फॉर्मेशन है, डिफरेंस एक्चुअली वी हैव टू स्टार्ट। पेज नंबर 123, फॉर्मेशन। फंक्शनल इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट फंक्शनल हेड्स एंड दैट इज इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइंस एंड इज सपोर्टेड बाय फंक्शन। डू यू एग्री विद दिस लाइन? It is based upon products produced and is supported by functions. क्योंकि हर division में आगे functional division भी तो है। समझाया हुआ है ना? आप देखो ऐसे react करते हो, मेरे को ये लगता है कि मैंने कुछ करवाया ही नहीं, इतने दिनों से chapter करवा रही हूँ। जब cosmetic division थी तो क्या करवाया था मैंने? आगे उसमें क्या है? PM purchase manager है, FM finance manager है, sales manager है और HRM भी है। तो function है ना? डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं और साथ में फंक्शनल स्ट्रक्चर भी है। स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल में क्या किस चीज की स्पेशलाइजेशन है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन वी कॉल इट, बट दिस टाइम ही इज कॉलिंग इट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। तो दोनों ही इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। डिवीजन में कौन सी स्पेशलाइजेशन है? चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शनल में ब्लेम गेम चलेगी। अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन घाटे में जाएगी तो एक दूसरे को ब्लेम लगाते रहेंगे, तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। लेकिन डिवीजन में अगर कोई एक खास डिपार्टमेंट घाटे में जाता है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने आप को रिहैबिलिटेट करने की। उसी से पूछा जाएगा कारण बताओ क्यों आपका डिवीजन घाटे में गया या लॉस में गया, तो वहां पे इट इज इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजीरियल डेवलपमेंट आपने बताना, मैंने डिटेल में बताया किसमें मैनेजीरियल डेवलपमेंट पॉसिबल है, मींस किसमें हायर करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। Yes, because thereby the head of the division becomes all rounder, और वो high level की managerial post पे easily जा सकता है। So in that way, it is possible. Career opportunities are there, और managerial development is possible in case of divisional structure, but it is not possible in the functional because you are just limited to the extent of limited number of activities. और वो limited number of activity आमतौर पे एक ही है। Purchase manager है तो उसने बार बार purchase का काम ही देखना है। सेल्स मैनेजर है तो उसने बार बार रिपीटेडली सेल्स का काम ही देखना है, तो वो ऑलराउंडर नहीं बनता। ही जस्ट लर्न अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्किल्स, इन दैट वे ही कांट बी प्रमोटेड टू द हायर लेवल्स। कॉस्ट, हाँ, डिवीजन में कॉस्टली है क्योंकि आप डिफरेंट डिवीजन के लिए डिफरेंट फंक्शनल हेड्स अपॉइंट करते हो, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है। कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का भी फाइनेंस मैनेजर है, ज्वेलरी का भी फाइनेंस मैनेजर है, फार्मास्यूटिकल का भी फाइनेंस मैनेजर है, so you pay a lot to them. Coordination, किसमें coordination? Divisional में coordination ज्यादा है क्योंकि head की बात सारे सब heads मानेंगे, लेकिन वहां पे coordination नहीं है। Clashes है, conflicts है, लड़ाई झगड़े हैं, क्योंकि वहां पे हर functional head एक दूसरे का competitor बन जाता है और ultimately वही blame game they start playing. So that's why it is difficult to maintain. इसने कुछ और तरह से डिफाइन किया, पढ़ो जरा इसने क्या लिखा। He says coordination is difficult for a multi-product company. How come? Functional वैसे तो यूज ही नहीं हो सकता मल्टी प्रोडक्ट में,
ये ठीक लिखा है? अच्छा अगला देखना, वो कहता है वहां पे कोऑर्डिनेशन इजी है बिकॉज ऑल फंक्शंस आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। वो तो ठीक ही है, एक हेड के नीचे डिफरेंट क्या आते हैं, सब हेड्स आते हैं और उस हेड की बात सारे सब हेड्स को माननी पड़ती है। वहां पे एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, एक्सप्लेनेशन यू कैन मोल्ड। ठीक है, ईच एंड एवरी फंक्शनल हेड इज रिस्पॉन्सिबल और गिविंग इंपॉर्टेंस टू हिज ओन फंक्शन, सो इट विल क्रिएट क्लैशेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं है, सो डायरेक्टली वी आर कमिंग टू डेलीगेशन। दो कॉन्सेप्ट मैंने इकट्ठे समझाने हैं क्योंकि दोनों में डिफरेंस भी है हमारे सिलेबस में, सो लेट्स प्रोसीड विद डेलीगेशन। वन वर्ड इज डेलीगेशन, अनदर वर्ड इज डिसेंट्रलाइजेशन। जिस कंसर्न में डिसेंट्रलाइजेशन होगा डेलीगेशन ऑटोमेटिकली होगा, बट जिस कंसर्न में डेलीगेशन है इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा। मैं बच्चों को याद करने के लिए एक इजी वे बताती हूँ। अगर दोनों में से कोई पूछे किसका वाइडर स्कोप है, इसकी स्पेलिंग लेंथी है, वाइडर है स्पेलिंग, तो इट हैज अ वाइडर स्कोप, हाउ आई विल टेल यू। और डेलीगेशन का पहले मीनिंग क्या है, डेलीगेशन का मतलब वैसे डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी है, पर हम एक वर्ड यूज करेंगे डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द इमीडिएट नेक्स्ट लेवल, टू इमीडिएट नेक्स्ट लेवल। क्या मीनिंग है इसका, अपने आप में ये तीनों वर्ड इमीडिएट एंड नेक्स्ट लेवल आर हाईलाइटिंग वर्ड। और डिस्पर्सल का मतलब क्या है, आप अपनी अथॉरिटी, आप अपनी पार अपने से आगे वाले लेवल को देते हो। ठीक है, जैसे सीनियर मैनेजर ने कोई बात अपने असिस्टेंट मैनेजर को बताई, असिस्टेंट मैनेजर ने आगे जूनियर मैनेजर को करने को बोली, सो दिस इज व्हाट टू द नेक्स्ट लेवल। लाइक ये आपका पिरामिड ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप का इमीडिएट लेवल कौन है, मिडल, और मिडल का इमीडिएट लेवल कौन है, यस दिस इज व्हाट वी कॉल डेलीगेशन। सो डेलीगेशन ऑलवेज रन्स फ्रॉम टॉप टू मिडल, मिडल टू बॉटम। कैन इट मूव रिवर्स ऑर्डर लाइक फ्रॉम बॉटम टू मिडल एंड मिडल टू टॉप? नो, क्योंकि अथॉरिटी आपके सीनियर्स आपको दे सकते हैं, जूनियर्स थोड़ी ना सीनियर्स को ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्पर्सल और डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी से हमारे सीनियर्स का वर्कलोड कम होता है भाई, इट विल रिड्यूस योर वर्कलोड। क्लास के मॉनिटर्स को टीचर्स ने कुछ, क्लास टीचर ने कुछ करने को दे दिया, सो दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द टीचर। ठीक है, प्रिंसिपल ने किसी टीचर इनको किसी एक एक्टिविटी का इंचार्ज बना दिया, तो दैट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो इमीडिएट लेवल के ऊपर जब अथॉरिटी की ट्रांसमिशन होती है या डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी होता है, उसे हम डेलीगेशन कहते हैं। राइट, डेलीगेशन ऑलवेज मूव फ्रॉम टॉप टू मिडल, मिडल टू बॉटम या लो लेवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज ऑल्सो डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी बट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कोई इमीडिएट लेवल नहीं है, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन आपने सबको फ्रीडम दे दी है कि आपको जो काम दिया गया आपने करना है, एंड यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजंस। बार बार हमसे पूछना भी नहीं है, डेलीगेशन में तो पूछेगा ना। अगर मिडिल लेवल को टॉप लेवल ने कोई काम करने को दिया और मिडिल लेवल को नहीं समझ आता या उसकी कोई क्वेरी है, तो वो टॉप लेवल से पूछ सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन की परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे अपने नेशन की है, वेयर बाय वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर द ऑटोनोमस बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्री टू रन देयर ओन स्टेट्स इन देयर ओन वे। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पूछना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑटोनोमस बॉडी, इट मींस कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसेंट्रलाइज्ड द पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर पूरी तरह से क्या कर दी है, डिसेंट्रलाइज कर दी है कि हम आपकी वर्किंग में बहुत कम बार इंटरफेरेंस करेंगे। इफ द थिंग्स विल बी ऑन राइट ट्रैक यू आर फ्री टू डू द एक्टिविटीज एज पर योर विश। अल्टीमेटली हमें स्टेट की डेवलपमेंट चाहिए, स्टेट की ग्रोथ चाहिए। Getting it? That is a perfect example of decentralization in our own nation, where there is democracy and where is क्या बोलते हैं state और center के system को, क्या बोलते हैं, history स्विक्स में कुछ करवाया होगा आपको इसके लिए, डेमोक्रेसी के अलावा कुछ, हाँ federal, yes federal system where by central government and state government both prevail, bureaucracy नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिर भी इंपॉर्टेंट मैटर्स की क्या रहती है, पार रहती है, लेकिन जो रूटीन के मैटर्स हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिए हैं।
सारे एरियाज में हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या है, टोटली फ्री है टू टेक इट्स डिसीजन. सो दिस वॉज द बेसिक हाइलाइट्स ऑफ दिस टर्म. पहले दोनों टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे और एंड वाला पेज जो चैप्टर का है वहां पे डिफरेंस करेंगे. लेकिन फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद डेलीगेशन. हु विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन? अभी मैंने बोला इट इज डिस्पर्सल ऑफ पावर और अथॉरिटी टू द इमीडिएट नेक्स्ट लेवल. कैन इट रन फ्रॉम लो टू मिडल और मिडल टू हाई? डेलीगेशन इज ऑलवेज फ्रॉम सीनियर्स टू जूनियर्स. जूनियर्स कांट गिव ऑर्डर और अथॉरिटी, क्योंकि जूनियर्स के पास खुद की अथॉरिटी नहीं है तो वो सीनियर्स को कैसे अथॉरिटी देंगे. सो इट ऑलवेज रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट? एक ही डायरेक्शन में मूव करती है डेलीगेशन. उसके बाद मीनिंग बाद में देखते हैं. हमारे सिलेबस में और क्या इंपॉर्टेंट है? एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. डिसेंट्रलाइजेशन के ऐसा एलिमेंट्स नहीं है, डेलीगेशन के एलिमेंट्स हैं. एंड फ्रॉम द डे वन आई टोल्ड यू, और डेफिनेशन में वो तीनों टर्म्स बार बार आई हैं. वन इज अथॉरिटी, अगला बोलो रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंट. करियो ये नए टर्म्स डेफिनेशन में भी आई थी ना, थोड़ा थोड़ा मीनिंग बताओ. फिर ए आर ए याद रखना है आपको. अकाउंटेबिलिटी इज द लास्ट, मिडिल वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फर्स्ट वाला अथॉरिटी है. तीनों टर्म्स का मीनिंग मैंने बताया हुआ फ्रॉम द डे वन व्हेन वी स्टार्टेड द चैप्टर. जब डेफिनेशन में ये टर्म्स आई थी उसी दिन मैंने आपको ये टर्म्स बताई थी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी? बिल्कुल जी, इट मींस अ पावर टू टेक डिसीजन. और भी अथॉरिटी का कोई मीनिंग हो सकता है. पावर टू टेक डिसीजन, आई एम ऑथोराइज टू गिव यू ऑर्डर, आई एम ऑथोराइज टू कीप माई सिलेबस पेंडिंग टू द नेक्स्ट टर्म और टू द नेक्स्ट मंथ. बिकॉज आई एम द मास्टर ऑफ माई सब्जेक्ट, आई कैन डिसाइड कि मेरे को कितना अभी तक करवाना है, कितने मेरा पोर्शन मेरे स्टूडेंट्स अच्छी तरह से ग्रास्प कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस डिसीजन आई कैन टेक, आई हैव सच पावर विद मी. एनी अदर डेफिनेशन फ्रॉम योर साइड ऑफ अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब क्या है? टू गेट द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, वो भी आपकी अथॉरिटी है, वो भी आपकी पावर है. आप अपने जूनियर्स को कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं. इट मीन्स की पासिंग द ऑर्डर इज ऑल्सो योर अथॉरिटी. ठीक है, अब हम लोग पहले डेलीगेशन का मीनिंग करेंगे, फिर एलिमेंट्स का मीनिंग करेंगे. सो कम एट पेज नंबर 129 एवरीवन. वन, कैन अ मैनेजर बी मास्टर ऑफ ऑल एक्टिविटीज? कैन ही अफोर्ड टू डू ऑल द वर्क ऑन हिज ओन? इस पिक्चर से फिर आप क्या समझते हैं? मैनेजर के ऑफिस के बाहर दो तीन बंदे वेट कर रहे हैं. पीएन कह रहा है मैनेजर इज बिजी. मैनेजर जब अपने कैबिन में बैठा है तो उसका एक डायलॉग बॉक्स बनाया हुआ है, उसके टेबल पे ढेरों फाइल्स का पड़ा है, ढेर फाइल्स का पड़ा है. ठीक है, और वो क्या कहता है? ऑल फाइल्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मी. सारी फाइल्स को मैं खुद चेक करूंगा. ही शुड डू लाइक दिस वे? नो, ही इज द मास्टर भाई, ही इज द बॉस, ही कैन गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स. फाइल की चेकिंग आप अपने जूनियर से करवाओ. हाँ, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है और कोई रेयर सर्कमस्टांस है या एक्सेप्शनल केस है, दैट कैन बी ब्रॉट टू यू. अदरवाइज आपको फाइल्स की चेकिंग करने की क्या जरूरत, राइट? आपने तो सिर्फ ऑर्डर देना है, आपका ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे. तो आपका जो प्रेशियस टाइम है वो आप फ्यूचर प्लानिंग में यूज करोगे. आप आउटसाइडर्स के साथ मीटिंग अरेंज कर सकते हो. आउटसाइडर्स, दे आर सिटिंग आउट एंड दे आर वेटिंग फॉर योर अपॉइंटमेंट एंड यू आर सो बिजी फ्रॉम डे टिल इवनिंग इन द फाइल जोन. Should the manager do these routine works? No. तो यही पे हमारी definition होती है. Start. A manager should not do each and everything on his own, and he can't do even. अगर वो ऐसा करने की कोशिश भी करेगा तो उसके बाकी काम रह जाएंगे. Like लोगों के साथ appointment ही नहीं हो रही fix. ठीक है, PN बाहर कह रहा है कि my boss is busy. So we should avoid such type of situation. In order to avoid such type of situation, we should always delegate some parts to our juniors. And for that purpose, you know, manager should have trust upon the junior. ठीक है, boss को हमेशा ये नहीं सोचना I am the best. He should trust upon the juniors. He should trust upon the subordinates. तभी तो वो उनको काम करने को बोलेगा. Managers की आमतौर पे संती किस्म के होते हैं, बोलते हैं मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं. Then why you appointed other? आपने क्यों इंटरव्यू कंडक्ट करी? जब आपने इंटरव्यू कंडक्ट करी, उन्हें अपॉइंट किया, तो जो आपको बेस्ट लगा आपने उसे ही अपॉइंट किया ना. सो जस्ट ट्रस्ट अपॉन देम और धीरे धीरे वो काम सीख जाएंगे भाई. अगर उनको कोई कमी लगेगी या कोई डेफिशिएंसी होगा या कोई लूपहोल होगा, दे कैन कंसल्ट यू. और अगली एग्जांपल बड़ी अच्छी दी है. एक सीनियर अपने जूनियर को बोलता है, तू इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, इफ यू फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम डोंट हेजिटेट टू कम टू मी, आई एम हेयर फॉर योर हेल्प. डेलीगेशन है.
ठीक है ना, सीनियर और जूनियर की बातचीत हो रही है ना, देखो क्या लिखा सीनियर, सीनियर के डायलॉग बॉक्स में क्या लिखा, यू आर, उसको एक फाइल हैंड ओवर कर रहा है, किस चीज की फाइल है, कोई प्रोजेक्ट फाइल है, यू आर द इंचार्ज मीन्स मेरे को तेरे पे भरोसा है, मैं तभी तेरे को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना रहा हूँ, यू आर द इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, आई एम हेयर इफ यू नीड मी, सिर्फ ये लाइन कहना बॉस का, आई एम हेयर इफ यू नीड मी मीन्स मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूं जब तेरे को मेरी जरूरत पड़े, ठीक है, दैट इज डेलीगेशन। तो डेलीगेशन में अगर काम कंप्लीट टाइम पे नहीं होता तो आप सरप्राइजिंगली चेकिंग रखते हो अपने सबॉर्डिनेट्स पे, आप टाइम टू टाइम उन्हें इंक्वायर करते हो, आप अपने कैबिन में बुला के उनसे बातचीत करते हो काम कहां तक पहुंचा, आप टेलीफोनिकली उनसे इंक्वायर करते हो कहां तक पहुंचा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट आ रही है। सो दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू टेल यू दैट डेलीगेशन में हमारे सुपीरियर का रोल खत्म नहीं होता। अब यहीं पे मैं एक बात और डिस्कस करना चाहूंगी, मिस्टर ए ने अपने जूनियर मिस्टर एस को एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया, कल को उसका जूनियर मिस्टर एस काम अगर कंप्लीट नहीं करता, मिस्टर ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, मींस उसकी अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं होगी, ही विल बी आंसरेबल टू हिज ओन बॉस, उसका बॉस बोलेगा तूने किसी अनाड़ी को काम करने को क्यों दिया, उसको तो कंप्लीट ही नहीं कर सका, इट मींस की फर्स्ट यू हैव टू चूज द बेस्ट एम्प्लॉय हु कैन डू द जस्टिफिकेशन विद द प्रोजेक्ट एलोकेटेड टू हिम, so you can transfer your authority, you can transfer a part of your responsibility to others, but you can't transfer the accountability, accountability can't be transferred at all। अभी आए ना वो बोर्ड पे लगाने के लिए, है ना, हमने काम बांट दिया बच्चों में, अगर 17th तक डेडलाइन है, 16th या 17th तक डेडलाइन है, अगर ये कंप्लीट नहीं होंगे तो टीचर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ये थोड़ा ना बोलेंगे मेरे बच्चे बना के नहीं लाए, this is what we call accountability can't be shifted, accountability lies with the senior only, senior apne hisse ki kuch authority apne junior ko de sakta hai, apni kuch responsibility bhi de sakta hai, lekin accountability will lies always on his shoulder, aap apni accountability se haath nahi piche khiska sakte, you are supposed to be accountable, you are supposed to be answerable for the non completion of the job, once the job is being completed nobody is going to ask any question from you, mind it, kaam nahi complete hoga tabhi aapki accountability hai bhai, aur uske liye aapko jawabdehi rakhni padegi, aap ye nahi keh sakte maine to kaam divide kar diya tha pata nahi kyun nahi hua, you were supposed to handle the things, aapko time to time puchna chahiye tha kaam kahan tak pahuncha hai, kitna kaam ho gaya hai, ye nahi hai ki maine प्रोजेक्ट इंचार्ज उसे बना दिया और उसके बाद मैंने महीनों उससे कुछ इंक्वायरी नहीं किया, इट मींस कि यू आर एट फॉल्ट एट द टाइम, एज अ सीनियर इट इज योर ड्यूटी टू इंक्वायर फ्रॉम योर जूनियर्स अबाउट द एलोकेटेड वर्क, अबाउट द वर्क डिवाइडेड अमंग देम। चलिए जी डेलीगेशन का मीनिंग पढ़ते हैं, बाद में डेफिनेशन भी करवाऊंगी। अ मैनेजर नो मैटर जितना मर्जी कैपेबल हो, तीन डिग्रीज है उसके पास, पीएचडी भी है, एमबीए फाइनेंस भी है, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स भी है, डबल एमबीए है, पर फिर भी वो सारे काम खुद नहीं कर सकता, अगर करने की कोशिश करेगा तो बाकी के काम रह जाएंगे, मैनेजर का काम फ्यूचर की प्लानिंग रहता है, मैनेजर का काम फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में सोचना होता है, मैनेजर का काम फ्यूचर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में सोचना होता है, रूटीन के काम उसे खुद नहीं करने चाहिए, अगर कोई मैनेजर ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसके इंपॉर्टेंट काम रह जाएंगे, वो रूटीन के काम ही करता रह जाए, ठीक है। अब क्या लिखा उसने, अ मैनेजर नो मैटर हाउ कैपेबल ही इज can't manage to do every task on his own, theek hai ji, this line indicates the importance of dash delegation, so what should he do, he should divide the work among the juniors, kya likha aage, the volume of work makes it impracticable for him to handle it all by himself, kehta uska kaam ka bojh itna zyada badh jata hai aur uska क्वांटम ऑफ वर्क इतना ज्यादा होता है, लोड ऑफ वर्क इतना ज्यादा होता है कि वो सारी चीजें खुद हैंडल नहीं कर पाता, जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले कि मैं सब कुछ खुद करूंगा वो नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है, एज अ कॉन्सिक्वेंस इफ ही डिजायर्स टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड इंश्योर दैट ऑल वर्क इज अकम्प्लिश्ड ही मस्ट डेलीगेट अथॉरिटी, ऐसे हालातों में अगर वो चाहता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल अचीव हो, मेरा टाइम पे काम कंप्लीट हो जाए, मेरी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी बढ़ी रहे, उस केस में उसे वो काम डेलीगेट करना ही पड़ता, अगर वो डेलीगेशन नहीं करता काम को करने में लेट होगा, गोल्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मेंटेन्ड नहीं रहेगी, बट इफ यू वांट एवरीथिंग इन ऑर्डर देन व्हाट यू नीड टू डू, यू एज अ मैनेजर नीड टू डू डेलीगेशन, कैन सबॉर्डिनेट्स डेलीगेट, कैन सबॉर्डिनेट्स डेलीगेट, no, it is only the
बॉसेस, इट इज ओनली द सुपीरियर्स, इट इज ओनली द मैनेजर्स हु कैन डेलीगेट। चलिए जी, मैंने पहली लाइन आपको यही बताई है, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द वेरी नेक्स्ट लेवल, और मैंने बोला इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम टॉप टू मिडल, मिडल टू बॉटम। तो आपको नहीं लगता इट हैज अ डाउनवर्ड ट्रेंड? विल इट हैव एन अपवर्ड ट्रेंड? अथॉरिटी ऑलवेज कम्स फ्रॉम टॉप टू मिडल, मिडल टू बॉटम, तो लाइन ठीक लिखी ना अगली, डाउनवर्ड को अंडरलाइन करो। डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर, मैंने डिस्पर्सल बोल दिया, ट्रांसफर की जगह आप ट्रांसमिशन भी वर्ड लिख सकते हैं, ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू इमीडिएट सबॉर्डिनेट लिखना चाहिए था यहाँ पे, वेरी नेक्स्ट सबॉर्डिनेट। इट इज अ प्रीरिक्विजाइट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ भी काम डेलीगेट नहीं करते हो, उनसे कोई भी काम नहीं करवाते हो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्योस में रहेगी, वहां पे मिसमैनेजमेंट रहेगी, कोई भी काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इनेबल्स, अगर आप ऐसा करते हो तो मैनेजर अपना प्रेशियस टाइम हायर प्रायोरिटी एक्टिविटीज में लगा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज? द एक्टिविटीज विच आर टू बी डन ऑन प्रायोरिटी बेसिस दैट आर बिल्कुल ठीक, दैट आर प्लानिंग अबाउट फ्यूचर, दैट इज अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज अबाउट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम्स। कैन यू निग्लेक्ट दीज एक्टिविटीज? दीज आर टू बी डन ऑन प्रायोरिटी बेसिस, देन व्हाई नॉट टू डेलीगेट द रूटीन मैटर्स टू द सबॉर्डिनेट्स? रूटीन वाले काम और ये फाइल्स की चेकिंग वगैरह बोल दो ना अपने जूनियर्स को करने को, उसको बोलो कि ये टारगेट है इन फाइल्स में, ये कुछ आपको चेक करना है, अगर कुछ गलत है तो मेरे को बताओ, अगर सब कुछ सही है तो साइन करो। ठीक है जी, जैसे आपने कई बार अगर अपने पेरेंट्स के साथ कभी बैंक गए हो या अकेले बैंक गए हो, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लर्क खुद कर लेता साइन। मान लो 50,000 तक का विड्रॉल है तो क्लर्क ने खुद साइन करना, जैसे 50,000 से ऊपर वाला चेक है वो कहता है मैनेजर का कैबिन सामने है वहां पे जाके साइन करवा। इट मींस कि क्या है, रूटीन के मैटर किसको दिए? क्लर्क्स को दे दिए, डेलीगेट किया ना मैनेजर ने, ठीक है, और बाकी जो इंपॉर्टेंस वाले काम है 1,00,000, कई बैंक्स में हो सकता है 1,00,000 तक की पेमेंट क्लर्क खुद कर देंगे, जैसे पेमेंट की अमाउंट 1,00,000 से बढ़ेगी वो कहते हैं मैनेजर से प्रूव करवा के लाओ फिर वो नहीं। यू आर गेटिंग मी? दिस इज व्हाट वी कॉल डेलीगेशन, एंड डेलीगेशन इज एसेंशियल, अदरवाइज तो मैनेजर का रूम बड़ा ही रहेगा, ठीक है, दैट विल ऑलवेज बी ऑक्यूपाइड। कि किसी ने 1,000 भी निकलवाना है तो मैनेजर से परमिशन लेके आओ, 500 भी निकलवाना है तो मैनेजर से परमिशन लेके आओ, तो फिर व्हाट अबाउट द क्लर्क वी हैव अपॉइंटेड? बिकॉज़ एवरी टाइम वी हैव टू गो टू द मैनेजर्स रूम, देन व्हाई द क्लर्क हैव बीन सिटिंग ऑन देयर सीट्स? यू आर गेटिंग मी? दैट्स व्हाई द डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट, सो दैट माय टॉप मैनेजमेंट, सो दैट द मैनेजर्स कैन बी रिलीव्ड, ताकि उन्हें भी कुछ सुख की सांस आए, ताकि उनको भी थोड़ा सा चैन मिले और वो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग में अपने आप को एंगेज कर सके। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट डेलीगेशन, राइट? सो डेलीगेशन इज अ डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, और यू कैन से ट्रांसमिशन ऑफ द अथॉरिटी, और यू कैन कॉल इट ट्रांसफर ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव रखना है तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, ताकि मैनेजर के पास जो टाइम बचे वो प्रायोरिटी बेसिस पे अपनी उन एक्टिविटीज को करे विच आर असेंशियल फॉर द फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। और एक बात कहता, यहाँ पे दो पर्पस सॉल्व होते हैं, एक तो मैनेजर रिलीव हो गया, रूटीन के मैटर्स उसे नहीं करने पड़े, दूसरा क्या हुआ, सबॉर्डिनेट्स दे विल बी इंस्पायर्ड, दे विल बी मोटिवेटेड, दे विल बी साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड कि यस मेरे बॉस को मेरे पे भरोसा, तभी तो मेरे को ये काम करने को बोला। We will not break the trust of our boss. ठीक है, अगर जैसे वो मैंने पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिखाई, सारी फाइल्स का ढेर लगा हुआ है मैनेजर के रूम में, तो सबॉर्डिनेट तो फ्री बैठे हैं, they are being engaged in the gossiping, और they are just backbiting कि हमारा बॉस कैसा सनकी किस्म का बंदा है, कुछ सारा दिन काम करता रहता है, हम लोगों से कुछ करवाता ही नहीं, इसे पता ही नहीं हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, हाउ टू एलोकेट द वर्क, तो लोग सो बातें करेंगे आपके बारे में। तो लेकिन अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट के काम अपने पास रखे हैं और बाकी सारे डेलीगेट कर दिए हैं, तो इट विल आल्सो सेटिस्फाई द नीड ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब द एम्प्लॉइज विल फील यस वी आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, वी आर बीइंग गिवन इंपॉर्टेंस, वी आर बीइंग कंसीडर्ड एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई द अथॉरिटी हैज बीन इंटरेस्टेड ऑन अस अपॉन अस, तभी हमारे बॉस ने हमें अथॉरिटी दी है ये काम करने की। Provides them with the opportunity to develop and exercise initiative. जब तक आप किसी को कोई रिस्की वेंचर करने को नहीं ना देते, तब तक उसकी कैपेबिलिटी निखर के सामने नहीं आती। ये आपने कोई उसके चैलेंजिंग जॉब करने को दी है और बॉस का सिर्फ ये कह देना, I am making you the in charge of this project because I trust upon you. Nobody else can do this work the way you can do this work. So I selected you, I consider you the best employee of my office. इसलिए मैंने ये काम तेरे को करने को दिया है,
तो डेफिनेटली एक तरह की सेल्फ रिकॉग्निशन की फीलिंग आएगी हमारे सबॉर्डिनेट्स में, एंड दिस इज एसेंशियल एज वेल। जब तक आपके सबॉर्डिनेट सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक वो अपना काम अच्छे ढंग से नहीं करते। बॉक्स वाली डेफिनेशन देखो, लुईस एलन हमेशा हमें हर कॉन्सेप्ट की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देता है। मैंने सब कुछ बता दिया, दो पैराग्राफ्स में जो मैंने बताया उसने चार या पांच लाइनों में लिखा। चलो पढ़ते हैं। डेलीगेशन पूरा चैप्टर जब ऑर्गेनाइजिंग है तो ऑर्गेनाइजिंग अपने आप में प्रोसेस है। अब ऑर्गेनाइजिंग का एक पार्ट डेलीगेशन है, डेलीगेशन भी अपने आप में एक प्रोसेस है, तो इसको भी जब आपने डिफाइन करना है तो इट इज अ प्रोसेस। अ मैनेजर फॉलोस, कैन दिस प्रोसेस बी फॉलोड बाय अ सबॉर्डिनेट? हु विल फॉलो दिस प्रोसेस? बिकॉज अ मैनेजर कैन ओनली डेलीगेट, सबॉर्डिनेट कांट डेलीगेट एनीथिंग। ठीक है, सो डेलीगेशन इज अ प्रोसेस अ मैनेजर फॉलोस काय के लिए, इन डिवाइडिंग द वर्क असाइन टू हिम, जो काम उसे दिया गया था वो आगे उसने बांट दिया, so that he performs that part which only he because of his unique organizational placement can perform effectively. usne jo kaam use karne ko diya gaya wo usne baant diya, usne sirf wahi kaam apne paas rakha jo sirf wahi kar sakta hai, subordinate nahi kar sakta. jaise 1 lakh se badi amount ka check sirf wahi sign kar sakta hai, uske subordinate nahi kar sakte. to 1 lakh 5 lakh ka agar check aaya clerk sign nahi karenge, manager se hi sign karwana padega. to jo important kism ke kaam hai जिसके लिए हमें क्रेडिट वर्दीनेस बंदे की चेक करनी है, ये भी देखना है कि अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं, सो मैनेजर इज सपोज टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच ओनली ही कैन डू, क्योंकि उसकी पोजीशन हाई लेवल पे है, वही काम ये कर सकता है, वो काम वो अपने पास रखेगा, रूटीन के मैटर वो अपने आप सबॉर्डिनेट्स को बांट देगा, एंड सो दैट ही कैन गेट अदर्स टू हेल्प विद व्हाट रिमेन्स। तो जो रह जाता है काम वो अपने सबॉर्डिनेट्स को करने को बोलता है, because he trusts upon them and it is essential in order to reduce the workload of the managers as well. Duhamel kaise kehte hain ise? Delegation of authority merely means the granting of authority to the subordinate. Granting ka matlab dispersal, granting ka matlab transmission. Aapne apni authority niche wale logo ko baant di taki wo apni limits mein rehke kaam kare, means aapne unhe ek boundary line bata di, this is your work and this you have to do, so that they can perform their duties within the prescribed limits. You tell them their limit, you tell them their scope, within that scope they are supposed to do the work. Third paragraph of delegation, again stressing upon the importance. Delegation kyun important hai? Delegation helps a manager to extend his area of operations, as without it his activities would be restricted to only what he himself can do. कहता डेलीगेशन के कारण हमारे जो मैनेजर का स्कोप ऑफ एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप डेलीगेशन नहीं करते तो मैनेजर सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज कर सकता है, जो वो खुद कर सकता है सिर्फ वही उसने करे जाना है और अपने एम्प्लॉय से कुछ भी नहीं करवाना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अपने एम्प्लॉयज को आप रूटीन के मैटर दे दोगे तो आपके काम करने का दायरा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अपना इंपॉर्टेंट और प्रेशियस टाइम फ्यूचर की प्लानिंग के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। However, delegation, yes, ये लाइन एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था वाइवा में, what he write, abdication? Delegation does not means abdication. This is your homework, आपने इसका मीनिंग देख के आना। Abdication, this is G. Delegation does not mean abdication, underline करो। वैसे तो अगली लाइन में मीनिंग लिखा ही है, आपने अगर डेलीगेट कर दी बात तो ये नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, ये नहीं है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई, अकाउंटेबिलिटी फिर भी आपके पास रहेगी, इवन देन यू विल फाइंड इट्स डिक्शनरी मीनिंग, सो दैट यू कैन कम टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। सो दिस लाइन ही कैन पुट, इज इट ट्रू और फॉल्स, व्हाट इट मीन्स, तो हो सकता है इसकी इंटरप्रिटेशन वो नीचे लिख दे, व्हाट एक्चुअली इट मीन्स। डेलीगेशन डज नॉट मीन्स एबडिकेशन, द मैनेजर्स shall still be accountable for the performance of assigned task. उसको आंसर देना पड़ेगा अपनी हायर अथॉरिटी को कि काम क्यों नहीं हुआ। Moreover, authority granted to a subordinate can be taken back and regain. Yes, अगर आपको लगता है कि आपने मिस्टर एस को प्रोजेक्ट दिया है और वो काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहा, उससे वो प्रोजेक्ट आप वापस लेके मिस्टर एफ को दे सकते हो, सो यू कैन टेक बैक दैट अथॉरिटी एंड यू कैन रीडेलीगेट इट टू अनदर पर्सन। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द डेलीगेटेड अथॉरिटी, the manager shall still be accountable to the same extent as before delegation. ye mat samajhna ki maine to kaam apne junior se karwa hi lena, unhone kar hi lena hai,
तो मेरे को कौन सा कोई पूछने वाला, मैं तो खुद मैनेजर हूं. नो, यू आर अकाउंटेबल, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द वर्क. और कल को काम अगर अच्छे ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ, यू विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, यू विल बी आस्क्ड द क्वेश्चंस बाय योर टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि आपसे ऊपर भी है कोई लेवल जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. सो बी श्योर व्हेन यू डेलीगेट द वर्क, मतलब डेलीगेशन उन्हीं पार्टीज में करना, उन्हीं सबॉर्डिनेट्स में करना जिनके ऊपर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो. होते हैं ना कुछ ऐसे डेडिकेटेड और सिंसियर पर्सन, हर ऑफिस में होते हैं, जिनके ऊपर हमारा हर सुपीरियर आंखें बंद करके भरोसा कर सकता है. Who are not corrupted, who are dedicated, who are punctual, who are regular, who are sincere, who are my old employees. ठीक है? They can't cheat us. So such type of persons you have to find before delegation the authority to them. That is enough for today. बाकी कल continue.